क्या है माया? यथा भासो यथा तमः। माया के दो प्रकार हैं प्रिय स्वजन, वेदांत कहता है, आभास और तम। बेटा देखना कि हमारे ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पहले किस लेवल तक थिंकिंग किया है। आज के भी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि आज से, और मिनिमम बहुत बहुत वे लोग तो रिजर्व्ड एस्टिमेशन करते हैं, बहुत समझ एकदम ये करके, फिर भी कहते हैं कि ये वेद उपनिषद का जो समय है वो 15,000 वर्ष का है, 15,000 ईयर्स पहले की बात, श्रीमद् भागवत 5,000 वर्ष पहले की बात। और भागवत कहता है कि मैं जो ये कह रहा हूं वो हम पुराने शास्त्रों में से लिया है, कंपाइलेशन है। श्रीमद् भागवतकार कभी ये नहीं कहता कि मैं नई बातें बता रहा हूं, जो दूसरे शास्त्रों में है वो उसका वंडरफुल कंपाइलेशन भागवत में है। इसका अर्थ जो कहीं कई बातें पहले दूसरे शास्त्रों में थी लेकिन बिखरी पड़ी थी, जैसे फूल बिखरे पड़े हैं, कुछ फूल पौधे पर लगे हैं, कुछ फूल उस पौधे पर हैं, ये पीला वाला, सफ़ेद वाला, लाल वाला, कुछ नीचे गिरे पड़े हैं बगीचे में, उन सबको एकत्र करके सुंदर सी माला बनाइए, माला श्रीमद् भागवत। महत्ता जो भागवत की महिमा इसलिए है कि एक एक अगर अलग 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 शास्त्र पढ़ने जाओगे, किसी शास्त्र में से एक सिद्धांत मिला, दूसरे में से दूसरा मिला, इतना समय कहाँ है, लेकिन सारा इतनी सुंदर रूप से एक साथ में सजा कर रख दिया श्रीमद् भागवत में। अब मोस्ट कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट से कहा जाए कि 15,000 वर्ष पुराने विचार, मैकडुगल ऐसे कई विद्वान वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के, वो कहते हैं कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी इंटेलेक्चुअल हाइट कहीं नहीं आई जितनी भारत के ग्रंथों में आई है, और वो भी 15,000 वर्ष पहले। आज हम कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, आज हमारे पास इतनी सुविधा है, इतने कंप्यूटर हैं, इतने मशीन्स हैं, इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वेद और उपनिषदों का जो विचार है उसमें जो ऊंचाई है, महानता है और गहराई भी है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। जस्ट इमेजिन कितना सोचा उन्होंने। माया के दो प्रकार हैं, आभास और तम। माया क्या है? मा या, जो नहीं है वो माया है। नहीं है फिर भी दिखाई पड़ता है, हां क्यों दिखाई पड़ता है? या दूसरी माया कौन सी है? जो है और दिखाई नहीं पड़ता। दूसरे श्लोक में कहा ना, रुतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ईश्वर कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो हमारे देखने न देखने पर ईश्वर का अस्तित्व डिपेंड नहीं करता, ईश्वर तो है ही, तो फिर हमें दिखाई पड़ता और नहीं दिखाई पड़ता ये क्यों होता है? माया की वजह से। कैसी माया? दो प्रकार, आभास और तम। आभास किसको कहते हैं? आभास का अर्थ है इल्यूजन। पांचवें मंजिल की बालकनी में आप खड़े हैं और रास्ते पर से लोग जा रहे हैं, अचानक आपको दिखाई पड़ा कि अरे वो तो मनोहरलाल जी हैं। अरे मनोहरलाल जी, पुकारा आपने, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं, तुरंत आपने फोन लगाया, मनोहरलाल जी क्या बात है, आप हमारे घर के नीचे से गुजर रहे हो, देख मैंने पर से आपका नाम पुकारा, देखते भी नहीं। मनोहर जी कहते कौन से? अरे यहां मुंबई कांदीवली में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में आप नीचे जा रहे हो ना? नहीं नहीं मैं तो दिल्ली में बैठा हूं। अच्छा बोलो, इसमें एक व्यक्ति ऐसा जा रहा था मनोहर जी, बिल्कुल आपके जैसा, मुझे आभास हुआ कि आप ही हैं।
मनहरलाल जी थे नहीं, लेकिन आपको दिखाई पड़े। नहीं था, दिखाई पड़ा, उसे कहते हैं आभास। और दूसरा है तम, ये माया हुई ना, जो है नहीं वो दिखाई पड़ा। अब वो क्यों हुआ दिखाई पड़ा, वेदांत उसमें भी आगे जाता है। मनहरलाल जी वहां नहीं थे, मनहरलाल जी यहां पर थे। तो उधर जो व्यक्ति था उसके ऊपर आपके भीतर के मनहरलाल को आपने प्रोजेक्ट किया। समझ लीजिए आप मनहरलाल को भूल गए होते, या मनहरलाल जैसे किसी व्यक्ति को आप मिले ही नहीं होते, तो आप पुकारते उसको। यहां मनहरलाल नहीं होते तो उधर दिखाई पड़ते, नहीं दिखाई पड़ते। चूंकि मनहरलाल यहां है आपके पास, कि ऐसा ही शरीर, ऐसा ही वजन, ऐसी हाइट, ऐसा नाक नक्शा, मनहरलाल हो सकते हैं, वहां नहीं है, यहां थे, तो यहां वाले मनहरलाल को आपने वहां प्रोजेक्ट किया। वेदांत की परिभाषा में कहें अध्यारोप किया। दूसरा, हॉल में 500 लोग बैठे हों, अचानक लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, 500 लोग बैठे हैं, उसमें मनहरलाल जी भी हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। हैं, बिल्कुल बैठे हैं वहां पर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? अंधेरा है। तमह, तमह शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन है अंधेरा, तमस, डार्कनेस। अब देखिए, वहां नहीं थे और दिखाई पड़े, वो आभास, और यहां हैं फिर भी दिखाई नहीं पड़ते, वो तमस। आभास और तमस, ये माया के दो प्रकार हैं। जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है, और जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। संसार नहीं है लेकिन वो दिखाई पड़ता है, और ईश्वर है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? ये तमस कौन सा है, अंधेरा कौन सा है? ये अज्ञान का अंधेरा है, ये मोह का अंधेरा है। यही खेल चल रहा है, यथाभासो यथा तमः। और इस खेल में से बाहर आना है, अर्थात जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है वो बंद हो जाए, और जो है फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है वो बंद हो जाए। अर्थात जो नहीं है वो नहीं के रूप में दिखाई पड़े, न दिखाई पड़े, और जो है उसका दर्शन हो जाए। संसार नहीं है फिर भी इतना आकर्षक लगता है, तो हम संसार की कन्वर्टिबल वैल्यू समझ लेके, हाँ ठीक है, प्रोजेक्शन है, फिल्म देखने गए हैं, फिल्म देखें, फिल्म में इन्वॉल्व ना हो जाए। देखिए, जो लोग पहली दूसरी बार फिल्म देखते हैं ना, नए नए लोग होते हैं, कुछ लोग इतने भावुक भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो 50वीं बार भी फिल्म देखने जाते तो इतने इमोशनल हो जाते, देखो ना बेचारी को कितना दुख पड़ रहा है, वो ग्लिसरीन लगा के रो रही है शूटिंग करते समय, लेकिन यहां नैपकिन गीला हो रहा है। हाँ, वो नाटक कर रही, वो ग्लिसरीन लगा के रो रही, लेकिन इतने इन्वॉल्व हो गए, लगता है सच ही है, बेचारे को कितना कष्ट, बेचारे को कितना। झूठ को सच मान लिया, यह संसार में हो रहा है। परिणामतः क्या होता है, जो सच है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और जब आदत पड़ जाती है कि केवल भ्रांति को ही सत्य माने, इल्यूजन को ही सत्य मानता रहे, तो फिर जो रियल है उसकी अनुभूति नहीं होगी। अध्यात्म पथ में यह हो रहा है, संसार की भ्रांति को इतना सत्य, वी आर सो वेरी क्लोज टू इट, वी आर सो वेरी अटैच्ड टू इट, वी आर सो वेरी पजेस्ड विद दिस आइडिया, कि कण कण में हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कण कण में ईश्वर है, कहां है, अत्र तत्र सर्वत्र है, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, कहां है?
क्योंकि जो नहीं है वो देखने के इतने आदि हो गए कि जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है।